नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूँ बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं उस एक ऐसी पावरफुल चीज़ की जो आपके पास है, आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप उस पावर को यूज़ करके आपकी लाइफ में जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम इसका नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि कैसे। ज़्यादातर जो हमारी इमेजिनेशन की पावर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि आप जो भी चीज़ इमेजिन कर सकते हो वो चीज़ आप अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ पहले बनी है वो सब पहले इधर से बनी है और उसके बाद आपने क्रिएट करी है। तो हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। हम इमेजिन करके अपनी लाइफ को वो बना सकते हैं जो हमें चाहिए, जैसी लाइफ हमें चाहिए, जैसी सिचुएशन हमें चाहिए, जैसी कंडीशनिंग हमें चाहिए। हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। बट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस इमेजिनेशन की पावर को नेगेटिव जोन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे? हम इमेजिन करते हैं कि यार मैं ये एग्ज़ाम दूंगा पर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। एग्जाम होने के पहले इतना फियर, अरे यार नहीं मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, बच्चे इतना जाने के पहले मम्मी डर लग रहा है, मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगा, माँ भी बोल रही है अरे तू बेटा गिर जाएगा तू, ठीक है तेरे से ये हो नहीं पाएगा, ठीक है तू ये नहीं कर, तू वो कर ले क्योंकि तू ये नहीं कर पाएगा। तो ये जो हम अपनी इमेजिनेशन की पावर जो हम बोल रहे हैं ना, तो पहले तो हम यहीं से सोच रहे हैं कि वो चीज नहीं हो पाएगी और तभी तो हमारे थॉट में आ रहा है। जब तक मैं यहाँ से ना सोचूं मेरे यहाँ पे कैसे आएगा, आप ये सोचो ना। तो जो भी मैं यहाँ से सोच रही हूँ मेरे इधर आ रहा है, तो दैट मीन्स मैं अपनी इमेजिनेशन को अगर नेगेटिव जोन में लेके जाऊँ। इसलिए तो हमारी जिंदगी में आजकल जो भी दुख हो रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो इन्हीं वजह से हो रही है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव इमेजिन करना शुरू हो गए। मेरा हाथ जल जाएगा, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। यार ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब मैं बता रही हूँ कि अगर हम ऐसा सोचते भी है तो मैं ये इसको गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव जोन में जाता है। पर प्लीज शिफ्ट तो करना आना चाहिए ना, हमें शिफ्ट करना है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती भी है तो प्लीज अपने दिमाग को शिफ्ट कीजिए और अपनी इमेजिनेशन जो आपने इधर लगाई उसको इधर लगाना शुरू कीजिए। मैं ये काम करूंगा, मेरे को पता है मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं ये एग्जाम दूंगा, ये मैं क्रैक करूंगा, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला। आपको करना क्या है, आपको जो भी चीज होने वाली है उसके पहले इमेजिन करना है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने के पहले आपको इमेजिन करना है कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे पास जो सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इतना इजी होगा, मैं इतना स्माइल कर रहा हूँगा, मैं इतनी आंसर्स फटाफट लिख रहा हूँगा कि यार मेरा लेट ना हो जाए, मेरे को सारा कंप्लीट करना है। मैं और एग्जाम से बाहर जब मैं निकलूंगा तो बोलूंगा यार कितना अच्छा एग्जाम गया मेरा, बहुत ही मस्त वाला एग्जाम गया और मेरे बहुत, मम्मी ने पूछा कैसा एग्जाम किया, मम्मी बहुत अच्छा गया, ठीक है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे को ये चीज इमेजिन करके जाने के पहले वो चीज करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है ऑफिस जाने के पहले मेरे दिमाग में अरे यार ऑफिस तो बोर ही है, जाके वहाँ पे दिमाग ही खराब होता है, बॉस कुछ ना कुछ बोलता ही है, बस वो कुछ ऐसा काम दे देगा बस। इसकी जगह आप ये इमेजिन करना शुरू कीजिए, जब आप घर से निकलने के पहले इमेजिन कीजिए आज का दिन मेरा बेस्ट होने वाला है, मैं तो मज़े करके काम करूंगा। क्योंकि काम आपको करना है तो वो उसमें मज़ा होना चाहिए। तो मैं मज़े करके काम करूंगा, बहुत मस्ती करूंगा और बॉस के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा रैप हो है, बहुत मज़े। अगर आप ये इमेजिन करना शुरू कर देना कि आप ये काम करने जा रहे हो और आपका इस तरीके से होगा, तो आप देखिएगा आपके लाइफ में कितनी बड़ी वाली पॉजिटिवनेस आ जाएगी। क्योंकि आप पहले ही वो सोच रहे हो, आप पहले ही वो इमेजिन कर रहे हो, आपके साथ वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपका माइंड क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, इवन आप कुछ एक स्मॉल चीज़ भी, अगर आप नहा रहे हैं, आप सोचिए कि नहाते समय मेरी बॉडी से जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए। आप एक क्रीम अपने फेस पर लगा रहे हैं, आप बोलिए कि ये क्रीम जो है ना, इमेजिन कीजिए कि ये जो क्रीम है ये किस तरीके से मेरी स्किन में जा रही है और किस तरीके से मेरे स्किन को और अच्छा कर रही है। इस तरीके से आप कोई भी चीज, जो भी आप चीज करते हैं उसके लिए पहले से इमेजिन कीजिए। और जब आप ये पॉजिटिव इमेजिनेशन करना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में किसी भी चीज के लिए,
तो आपकी लाइफ और बेटर बेटर होती चली जाएगी। तो इस इमेजिनेशन को पावर देनी है तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में दीजिए, नेगेटिव चीज़ों में देना बंद कर दीजिए, शिफ्ट कीजिए अपने फोकस को और अपनी लाइफ को बेटर बना लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।